verse 4. It's in a quick look. And also even. आप उसे सिंबल बोलते हैं जिसे सेट में जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 दैट इज एस फोर इज कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैन एस फोर इज कलेक्शन ऑफ ऑल bijective map from a set having four elements to itself. या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि a set having four symbol. That is S4 have from 1, 2, 3, 4 to 1, 2, 3, 4 such that F is bijective or a with respect to function composition ये group पार करता है इसमें सभी bijective map ले जाएंगे तो किसी set में जिसमें चार element हो उसी सेट पे जो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो कितने होंगे 4 पावर 4 नंबर ऑफ फंक्शन की बात है ना बट जो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप है वो फैक्टोरियल फोर एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ एस फोर का ये ऑर्डर होता तो इसके एलिमेंट को लिखना हो तो आप इसमें दो तरीके से जा सकते हैं पहला है कि आप मैप ही इसका बनाना शुरू करें जैसे लेट 1, 2, 3, 4 आइडेंटिटी रिनोट कर सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इसके बाद इसमें 1, 2, 3, 4 means 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 1. तो आप इस साइकिल की बात कर रहे हैं दिस इज 1, 2, 3, 4 इस तरीके की एक साइकिल के पास तो दूसरा मैप आप तीसरा लिख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4 1 goes to 3 2 goes to 4 4 goes to 2 and 3 goes to 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाइजेक्टिव मैप तो इस तरीके से भी आप 24 मैप लिख सकते हैं जो कि 1-1 और ऑन 2 होगा बट इसको लिखने का जो सबसे आसान वे है वो है वायर ट्री डायग्राम आप लिख सकते लेट कैपिटल एक्स हैविंग दिस फोर एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है चार एलिमेंट इसके हैं इसमें आप क्या करें पहले 1 को लीड कराइए 1 को लीड करा दिया तो 1 को लीड कराया तो 2, 3, 4 बचेगा है ना आप 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ठीक है तो जब आप 1 से 2 पे जाएंगे तो दो एलिमेंट बचेगा यार 3 एंड 4 अब आप 1, 2, 3, 4 पे आ गए ये और 1, 2, 4 से आए तो 3 बचेगा ये रूट होता है एक तरीके से जैसे है ना कि आप कैन से रथ यात्रा अब रथ यात्रा से फिर आप आ सकते हो आया BLW लंका है ना लंका आने का रूट या फिर रथ यात्रा से आप सीधे
जीरो कम अच्छा करते हैं, है ना, कम अच्छा को बहुत अच्छा कहा करी, है ना, बहुत अच्छा है। तो कैंट रथ यात्रा DLWM का कैंट रथ यात्रा कम अच्छा लगता। फिर रूट ही होता है, अब आपने एक रूट फॉलो कर लिया, इसमें पहला रूट आपका हुआ 1 2 3, ये रूट होता है। इसके बाद हुआ 1 2 4 3, फिर आप आइए 1 3, 1 से 3 पे आएंगे तो 2 4 बचेगा, 2 and 4, तो 1 3 2 पे आएंगे तो 4, और 1 3 4 पे आएंगे तो। इसके बाद आप 1 से 4 पे आइए, 1 से 4 पे आएंगे 1 2 4, तो 2 3 बचेगा, 2 and 3, आप 1 4 2 से आप 3 पे आ जाएंगे, और 1 4 3 से आप 2 पे आ जाएंगे। और जितने भी ये दिख रहे हैं रूट आपको 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 4 2 3, 1 4 3 2, ये सब आपको 6 परमुटेशन देंगे, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 मैप दे रहे हैं आपको। और उसको आप इसको सबको आप इमेज रो में लिखेंगे, हम लोग इसे इमेज रो का नाम दे देते हैं, दिस 1 2 3 डॉट एन की केस में σ1 σ2 σ3, ये मैप है आपका 1 का इमेज, ये एंड σn, तो इसे आप इमेज रो बोल दीजिएगा, इट्स इमेज रो एंड इट्स डोमेन रो दिया। ये जो रूट है 1 2 3 4, इसको इसमें लिखना है, इमेज में लिखना है, तो आप इमेज में लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4, और ऊपर में आप 1 2 3 4 रख दीजिए, पहला में 1 2 3 4, ये जो रूट है 1 2 3 4, इस रूट को आप कहाँ ले आएंगे, इधर नीचे लाएंगे इमेज में, और ऊपर में 1 2 3 4 लिखना है। इसके बाद आप दूसरा रूट देखिए 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऊपर लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिखते चलेगा। इसके बाद आप लिखिएगा तीसरा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऊपर लिखिएगा 1 2 3 4। इसके बाद नेक्स्ट है 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 2 3 4। इसके बाद फिर आप आएंगे 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद लिखेगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, आप ऊपर लिखिए 1 2 3 4। 6 परमुटेशन ये मिल चुके हैं जब 1 लीड करेगा। अब आप 2 को लीड कराएंगे, ठीक है, देखिए व्हेन 2 इज लीडर, 2 लीड करेगा तो कौन बचेगा, 1 3 4, यानी कि 1 3 4, 2 से 1 पे आएंगे, तो जब 2 से आप 1 पे आएंगे 3 4 बचेगा, यानी कि 3 4, और जब 3 से आएंगे तो 4, 4 से आएंगे तो 3, फिर 2 से 3 पे आएंगे तो 3 से आएंगे 2 3 आएंगे तो 1 4 बचेगा, 1 4, 2 3 1 पे आ गए तो 4, और 2 3 4 पे आए तो 1, जबकि यही रूट नहीं है। 2 से 4 पे आइएगा 2 4 1 3, और 1 से 3 पे, और 3 से 1, तो ये अगला 6 परमुटेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से, और आप इसको लिखेंगे 2 1 3 4, यहाँ से देखिएगा 2 1 3 4, ऊपर लिख दीजिए 1 2 3 4, फिर लिखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3, फिर आ जाएगा 1 2 3 4। इसके बाद लिखिएगा आप 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऊपर 1 2 3 4,
इसका 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4 क्लियर हो रहा है ना? जब मैं तो 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4 फिर आप आएंगे 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 आप हमेशा देखिएगा लीड 2 कर रहा है इमेज रो में, इमेज रो का लीडर 2 है तो 2, 4, 1, 3 1, 2, 3, 4 इसका 2, 4, 3, 1 2, 4, 3, 1 1, 2, 3, 4 अगला छह परमुख रेशन यहाँ से लिखेंगे आपको। इसके बाद आप 3 को लीड कराइएगा, ठीक है ना? 3 को लीड कराया तो 3 को लीड कराएंगे तो 1, 2, 4 रिमेनिंग एलिमेंट इसके। अब आप 3, 7 पे आएंगे तो 2 और 4 रहेगा, 3, 1, 2 पे आएंगे तो 4 होगा, 3, 1, 4 पे आएंगे तो 2 होगा, 3, 2 पे आएंगे तो 1, 4 होगा, 3, 2, 1 पे आएंगे तो 4 रहेगा, 3, 2, 4 से आएंगे तो 1 रहेगा, 3, 4 से 1, 2 3, 4, 1 से 2 एंड 2, 7 एक ही हो गया। तो अब आप इसमें लिखिएगा 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 एंड 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 1, 2, 3, 4 एंड थर्ड एलिमेंट लिखिएगा 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 1, 2, 3, 4 आपको आना कि 3, 2, 4, 1 आप देखिएगा इधर से आना 3, 2, 4, 1 दिस इज 3, 2, 4, 1 एंड 1, 2, 3, 4 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4 एंड 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 1, 2, 3, 4 तो आपने 1 को लीड कराया, 6 परमुटेशन मिला, 2 को लीड कराया, 6 परमुटेशन मिला, 3 को लीड कराया, 6 परमुटेशन मिला। अब आप 4 को लीड करा दीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा 4 को लीड कराएंगे हम लोग, ये 4 तो जैसे 4 लीडर होगा तो बच जाएगा 1, 2, 3 अब 4 से आप 1 पे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको 2, 3 2 से 3 3 से 2 और 4, 2 से 1, 3 1 से 3 3 से 1 4, 3 पे आइए, जब 4 से 3 आएंगे 4 से 3 तो 1, 2 मिलेगा आपको 1, 2 2 से 1 1 से 2 एंड 2 से 1 तो 6 परमुटेशन यहाँ से भी मिल जाएंगे जब 4 लीड करेगा, ठीक है ना? और वो कौन से होंगे इमेज रो में 4, 1, 2, 3 ये होगा 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 फिर होगा 4, 1, 3, 2 ये दूसरा 4, 1, 3, 2 एंड दिस 1, 2, 3, 4 फिर होगा 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 1, 2, 3, 4 एंड 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4 एंड 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 एंड 4, 3, 1, 2 ये है, इसको आप लिखेंगे, हम लोगों ने पहले इसको लिख दिया 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 अभी बच गया आपका 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 एंड 4, 3, 2, 1 एंड 1, 2, 3, 4 तो दीज आर 24 परमुटेशन परमुटेशन मीन्स बैक। ये S4 के 24 एलिमेंट हैं, आप जिनको एरे फॉर्म में लिखे, अब इस जो एरे फॉर्म में आप लिखे हैं इसको साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं, आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम लोग सीधे लिखते हैं एलिमेंट ऑफ S4 फर्स्ट आइडेंटिटी, ये देखिएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस आइडेंटिटी का।
और ये वन वन पे गया, टू टू पे गया, फिक्स है, वन वन टू टू, थ्री फोर फोर थ्री, तो थ्री फोर फोर थ्री को लिखेंगे थ्री फोर। देखिए इसमें वन वन टू टू मीन्स वन फिक्स है, टू फिक्स है, थ्री फोर पे गया और फोर थ्री पे गया, तो वन टू ये थ्री फोर, तो आप इसे लिखेंगे थ्री फोर। तो हम लोग सीधे यहाँ पे थ्री फोर लिख दीजिए। दूसरा है, अब आप लिखिए वन, देखिए फिक्स है, वन फिक्स है, टू गोज टू थ्री, थ्री गोज टू टू, फोर भी फिक्स है, तो टू गोज टू थ्री एंड थ्री गोज टू टू, तो आएगा टू थ्री, ये तो आप इसको लिखेंगे टू थ्री, ये वाला एलिमेंट हो गया आपका। अब यहाँ देखिए वन वन टू थ्री, थ्री फोर फोर टू, इसमें टू गोज टू थ्री, थ्री गोज टू फोर एंड फोर गोज टू टू, तो दिस इज टू थ्री फोर, है ना। तो आप क्या लिखेंगे टू थ्री फोर। अब आप इसके पास आइए, वन वन फिक्स है, टू गोज टू फोर, फोर गोज टू थ्री एंड थ्री गोज टू टू, तो टू गोज टू फोर, ये है टू गोज टू फोर, फोर गोज टू थ्री एंड थ्री गोज टू टू, मीन्स टू फोर थ्री। तो आप क्या लिखेंगे टू फोर थ्री। अब आप इसके पास आइए, वन फिक्स है, थ्री भी फिक्स है, टू फोर फोर टू, तो यहाँ से आएगा टू फोर, ये छह एलिमेंट हो गए आपके। इसके बाद यहाँ आइए, वन गोज टू टू, टू गोज टू वन, थ्री फिक्स है, फोर भी फिक्स है, तो यहाँ से जब थ्री फिक्स है, फोर फिक्स है, तो वन टू एलिमेंट आ जाएगा, ये एलिमेंट आ गया आपका वन टू। इसके पास आइए, वन गोज टू टू, टू गोज टू वन, थ्री फोर फोर थ्री, मीन्स वन गोज टू टू, टू गोज टू वन, थ्री गोज टू फोर, फोर गोज टू थ्री, ना, ये आ गया आपका वन टू थ्री फोर, शाबाश, दिस इज वन टू थ्री फोर। इसके बीच में कामा नहीं लगा दीजिएगा ना, ये प्रोडक्ट का इस लाइन साइकिल है, कामा नहीं लगाना इसमें। इसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, ये एलिमेंट किसका, वन टू टू थ्री थ्री वन, फोर फिक्स है, आ जाएगा वन टू थ्री। इसके बाद यहाँ आइए, वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर वन, तो इसे क्या आ जाएगा, वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर वन, वन टू थ्री फोर, ये वन टू थ्री फोर वाला एलिमेंट रहा। इसके बाद यहाँ पे आइए, वन टू टू फोर फोर थ्री थ्री वन, मीन्स वन टू फोर थ्री, वन टू फोर थ्री, ये एलिमेंट रहेगा। इसके बाद ये भी हो गया आपका, है ना, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए वन गोज टू टू, टू गोज टू फोर, फोर गोज टू वन, थ्री फिक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन टू फोर, वन टू फोर। इसके बाद आप इसके पास है, वन थ्री, थ्री टू टू वन, फोर फिक्स है, वन थ्री टू, यहाँ क्या आपका वन थ्री टू, ठीक है ना, वन थ्री टू। इसके बाद वन थ्री, थ्री फोर, फोर टू टू वन, ध्यान से देखिए, इसके वन थ्री, थ्री फोर, फोर टू एंड टू वन, तो वन थ्री फोर टू, वन थ्री फोर टू, ये मेज आ जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ आइएगा, वन थ्री थ्री टू, सॉरी वन थ्री थ्री वन, फोर और टू इसमें दोनों फिक्स है, तो यहाँ से वन थ्री मिलेगा, हाँ वन थ्री, शाबाश, वन थ्री मिल गया आपको। इसके बाद इसके पास आइए, वन थ्री थ्री फोर फोर वन, टू फिक्स है, तो जो फिक्स है छोड़ देंगे, वन थ्री फोर किया जाएगा, वन थ्री फोर। अब आप आएंगे, वन थ्री थ्री वन, टू फोर फोर टू, हाँ वन थ्री टू फोर, वन थ्री और टू फोर, एक एलिमेंट ये होगा। इसके बाद आप आएंगे, वन थ्री थ्री टू, टू फोर फोर वन, वन थ्री टू फोर, वन थ्री टू फोर। इसके बाद आपके पास
ये हो गया ना 1, 3, 2, 4 ये एलिमेंट हो गए। अब आप यहाँ आ जाइए 1, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 2, 3, 6 है 2, 1 तो आ जाएगा 1, 4, 2 एंड 1, 4, 4, 3, 3, 1, 1, 4, 3। अब इसके बाद आएगा आपका एलिमेंट 1, 4, 4, 3, 1, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 6 है आ जाएगा 1, 4, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 1 ध्यान से देखिएगा 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1 तो 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 है ना। इसके बाद आएगा 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 3 टोटल कितने एलिमेंट हुए काउंट करिए। टोटल इसमें हो गए 8×8 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 These are 24 elements of S4। अब इस 24 एलिमेंट को आप याद करने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिखने की आदत डालिए। देखिए ये तो आपने देखा कि हम कैसे मैप के थ्रू आए है ना, ट्री डायग्राम के थ्रू आए, बट इसको प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे भी लिख सकते देख करके जो एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है ना। एक्स क्या है 1, 2, 3, 4 तो एस फोर को लिखिए आइडेंटिटी फर्स्ट, फिर लिखिए 1, 2, 1 के साथ 2, फिर लिखिए 1, 3 कामा लगा के, फिर लिखिए 1, 4 उसमें होगा आप सर्च कर, फिर लिखिए 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4 फिर लिखिए 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 6 एलिमेंट भी आ गए इसके, ठीक है ना। इसके बाद आप फिर इसी में देखिए दो दो का पेयर लिखिए 1, 2, 3, 4 फिर लिख दिया 1, 4, 2, 3 फिर लिख दिया 1, 3, 2, 4 ठीक है इसमें 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट आ गए। अब इसमें से तीन तीन एलिमेंट को लेके आते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो जैसे 1, 2, 3 लिखेगा तो आप 1, 3, 2 भी लिखेगा, इसमें है इमेज इनवर्स इमेज होते हैं कुछ इनवर्स होते हैं एंड 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 1, 4, 3 तो एक गाना भी था बहुत पुराना 1, 4, 3, 1, 4, 3 का मतलब डाट कर भी बड़ा पुराना गाना तो 1, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 3 अब आप कितने 2, 3, 4, 2, 4, 3 कितने एलिमेंट हुए 2, 4, 6, 8 आठ एलिमेंट ऐसे। इसके बाद चारों को एक साथ लेना है 1, 2, 3, 4 देखिए लिखते कैसे हैं 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 4 रहने दिए 3, 4 को बदलिए 1, 2, 4, 3 फिर लिखेगा 1, 3, 2, 4 फिर लिखेगा 1, 3, 4, 2 ठीक है फिर लिखेगा 1, 4, 2, 3 फिर लिखेगा 1, 4, 3, 2 कितने एलिमेंट हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 है। इतने इसके लिखने का ये है ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो आप जैसे हम लोग देखेंगे कि इस 24 एलिमेंट से
कितने इवेन है और कितने ऑड है। इस 24 एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट इवेन है और कितने एलिमेंट ऑड है। ठीक है ना, तो कितने एलिमेंट इवेन और कितने एलिमेंट ऑड होता है, तो आप थोड़ा सा एक नोट लिखिएगा। इफ सिग्मा इज रिटन एज, हम लोग इसको लिख रहे हैं, एक जो ट्रांसपोजिशन की बात होगी आप उसको भी देखिएगा। इफ सिग्मा इज a1, a2, a3 .an, then sigma can be written as a1 an minus 1 and .a1 a2। ये ठीक है ना, और इसे ही ये जो आपने साइकिल लिखी है लेंथ 2 की, ठीक है, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called transposition। तो साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। एक वर्ड है ये कि ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ 2 होगी उसे आप ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इवन ऑड की केस में सिग्मा इज इवन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन हो गया, ठीक है ना, तो इस परमुटेशन सिग्मा को आप क्या कहेंगे, इवन परमुटेशन कहेंगे। सिग्मा इज इवन परमुटेशन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन, मीन्स जो लिख रहे हैं आप, ठीक है ना, जैसे आप लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल इन S3 में आप देखिए आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 एंड 2 3। अगर हम लोग सिग्मा को 1 2 3 ले लें, 1 2 3, तो इस 1 2 3 को ये जो पैटर्न आपने लिखा है कि a1 an minus 1 एंड .. a1 a3 एंड a1 a2, तो आप लिखेंगे इसको 1 3 1 2, है ना, 1 3 एंड 1 2 एंड 1 3 ऑफ लेंथ 2, 1 2 ऑफ लेंथ 2। तो इसमें कितने ट्रांसपोजिशन, एक तो ये हुआ दूसरा ये हुआ, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हो गए, 2। इसलिए ये कैसा है, इवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन पे हम लोग बात करेंगे कि इवन है कि ऑड है, और जैसे इसको लिखेंगे आप फिर ये 2 ट्रांसपोजिशन में लिखा जाएगा 1 3 1 2 फिर 2 वही इवन। तो इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज इवन देन परमुटेशन इज इवन एंड सिग्मा इज ऑड इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज ऑड। जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है अगर वो ऑड है तो आप कहेंगे सिग्मा ऑड परमुटेशन, ठीक है, अदरवाइज सिग्मा कैसा होगा, इवन परमुटेशन। तो परमुटेशन 2 तरीके का होगा, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। जब इवन कहेंगे आप तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो इवन है ना, यहाँ ऑर्डर से नहीं लेना देना, कि ऑर्डर इवन रहेगा तो आप कहेंगे कि इवन परमुटेशन। वो एक केस वैसी आ सकती है, तो जैसे आप S4 के एलिमेंट को देखिए, जो S4 का एलिमेंट आपने लिखा है उसमें कितने इवन कितने ऑड। हम लोग S4 को इस तरीके से लिखते हैं, आइडेंटिटी इवन है, आप इसे बाय मेथड ऑफ इन्वर्सन देख सकते हैं। एक और भी वे है मेथड 2 देखने का, इसमें जैसे आप लिखते हैं, इधर देखिएगा 1 2 .. sigma 1 sigma 2 .. sigma n, तो इसको भी इवन ऑड देखने का वे इस तरीके से। इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट इमेज है ये, इस इमेज के राइट में इससे छोटे कितने नंबर है, ठीक है,
इमेज के राइट में इससे छोटे नंबर, फिर आप दूसरे पे आए हैं, इसके राइट में इससे छोटे नंबर, इसके राइट में इससे छोटे नंबर, और सबको जोड़ देंगे, अगर इवन आएगा तो इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। जैसे आप देखिए आइडेंटिटी की केस में आइडेंटिटी को क्यों इवन करते हैं आप, 1 1 2 2 3 3 4 4, हम लोग एस फोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वन से राइट है ना, राइट फ्रॉम वन एंड लेस देन वन, वन से राइट, वन से छोटे कितने नंबर है, एक भी नहीं है। इमेज रो में देखता है, वन से राइट, वन से छोटे एक भी नंबर नहीं। टू से राइट, टू से छोटे एक भी नंबर नहीं। थ्री से राइट, थ्री से छोटा एक भी नंबर नहीं। अब फोर के राइट तो कुछ है ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट इवन, दिस इज व्हाई आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज करते हैं कि जो इमेज है इमेज के राइट जाते हैं और उसे छोटे नंबर लिए जाते हैं। अब आप देखिएगा 1 2, इधर देखिए 1 2 1 2 जो है अकेला है, दो एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है तो ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन में है, और ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन में है तो ऐसे ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी है, एक। एक ऐसा परमुटेशन होगा और सब 1 3 और 1 4 और एंड 2 3 और 2 4 और ये भी ऑड परमुटेशन होगा, 3 4 और 1 2 3 4 5 6, 6 परमुटेशन अब तक ऑड आ गए, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे 1 2 3 4, कितने ट्रांसपोजिशन है इसमें, 2, यहाँ से हो जाएगा इवन क्योंकि 2 ट्रांसपोजिशन। 1 3 2 4 इवन, 1 4 2 3 इवन, आप एकदम आराम से देखिएगा, है ना। और जो मेथड आप इन्वर्सन लिखे हैं आप उससे भी बता सकते हैं इसको, जैसे 1 2 को लिखा 1 2 इन S4, 1 2 इन S4 का मतलब ये हुआ कि 3 और 4 फिक्स है, तो आप इसको लिखेंगे 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3, 3, 4, 4। और हम लोग बात कर रहे थे मेथड 2 में, मेथड ऑफ इन्वर्सन में, कि इस पहले इमेज से राइट इससे छोटे कितने हैं, तो 2 से राइट इसी रो में, 2 से राइट, 2 से छोटा 1 है। अब 1 के राइट 1 से छोटा 0, 1 के राइट 1 से छोटा कोई नहीं है। अब 3 के राइट 3 से छोटा 0, 1 ऑड, 1 ऑड है ना, एंड दिस इज व्हाई 1 2 इज ऑड परमुटेशन, 1 3 इज ऑड परमुटेशन। अब आप इसको देखिए, नेक्स्ट है 1 2 3, हां 1 2 3 को आप लिख सकते हैं 1 3 1 2 इवन, 1 3 2 इवन, 1 2 1 3 लिख सकते हैं इसको, दिस इज 1 2 1 3, 1 2 4 इवन, 1 4 2 इवन, 1 3 4 इवन, 1 4 3 इवन, 2 3 4 इवन, एंड 2 4 3 इवन, आया ना। तो ये देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 3। सिंगल साइकिल का अगर परमुटेशन है, सिंगल साइकिल का परमुटेशन, और अगर उसकी लेंथ जितनी होती है उसका ऑर्डर वही हो जाता है, तो इसमें जो 3 एलिमेंट है तो यहां से इवन मिल रहा है। इसमें 2 एलिमेंट थे ऑड हो गया, बट ये अलग अलग ट्रांसपोजिशन का है तो इसलिए इवन रहा। अब आप इसके पास आइए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में 4 एलिमेंट है, 1 4 1 3 1 2, 1 2 3 ऑड मिलेगा। अब 1 2 4 3 ऑड, 1 3 2 4 ऑड, 1 3 4 2 ऑड, 1 4 2 3 ऑड, एंड 1 4 3 2, ये भी क्या होगा, ऑड परमुटेशन।
तो ये सब के सब ऑड हैं, एक दो तीन चार पांच छह सिक्स ऑड परमुटेशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट कैसे हैं इवन, यहां से देखिए थ्री इवन और ये सिक्स ऑड और ये कैसा है इवन। तो टोटल जो इवन परमुटेशन मींस नंबर ऑफ इवन परमुटेशन कितना हुआ, आठ तीन ग्यारह इलेवन एंड वन ट्वेल्व, टोटल 24 परमुटेशन है जिसमें से 12 कैसे इवन है और 12 ऑड है, ये सब छह इधर आठ हो गए, आठ ये पार्ट हो गए। जो S4 है, S4 का एक जो सबसेट है जिसमें केवल इवन परमुटेशन होते हैं वो भी S4 का सब ग्रुप बनाएगा, आप देखिएगा इसको कि S4 के इवन परमुटेशन का सेट, उसे आप A4 का नाम दीजिए, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन 4 सिंबल, एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन 4 सिंबल कंसिस्ट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ S4। S4 के इवन परमुटेशंस को ही कंसिस्ट करेगा, और परमुटेशन मींस बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप। अब आप ये कह रहे हैं कि जो एक्स में आपने 4 सिंबल लिया था 1 2 3 4, उस 1 2 3 4 से 1 2 3 4 में जो बाइजेक्टिव मैप आप ले रहे थे, उस बाइजेक्टिव मैप में दो कैटेगरी थी, एक तो इवन की है दूसरी ऑड की है, और नंबर ऑफ मैप मींस नंबर ऑफ इवन एंड नंबर ऑफ ऑड इज सेम, दोनों में सेम हो रहा है। जैसे आप S3 की भी केस में देखेंगे, S4 में है आइडेंटिटी 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3, 1 2 3, 1 3 2, 1 2 4, 1 4 2, 1 3 4, 1 4 3, 2 3 4 एंड 2 4 3, कितने हो गए आठ ही हो गए, आठ तीन ग्यारह एक बार 12 एलिमेंट। तो दिस इज वाई ऑर्डर ऑफ A4 इज 12 एंड 12 इज 24 अपॉन 2 एंड 24 इज फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 मींस S4 ऑर्डर ऑफ S4 अपॉन 2। तो ऑर्डर ऑफ A4 इज ऑर्डर ऑफ S4 अपॉन 2। इन जनरल आप इन जनरल जब आप लिखते हैं तो लिखते हैं ऑर्डर ऑफ An इज ऑर्डर ऑफ SN बाय 2। मींस नंबर ऑफ ऑड एंड नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इज सेम, ठीक है SN की केस में। तो S4 में जो 24 एलिमेंट थे उसमें से 12 एलिमेंट ये थे जो A4 का फॉर्मेशन करते हैं, मींस ये ऑर्डर 2 का है। अब हम लोग इसमें ऑर्डर भी देख लेंगे थोड़ा सा कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे, और आपने कल जो है देखा भी था S3 के लिए कि ऑर्डर लेने की पहली शर्त है कि इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो, नहीं संभव तो कोई बात ही नहीं है, इफ पॉसिबल राइट सिग्मा एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, है ना, डिसजॉइंट साइकिल में आप लिखते हैं उसको। अब डिसजॉइंट साइकिल में लिखने के बाद जो साइकिल की लेंथ है उसका एलसीएम लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1, क्लियर है, ऑर्डर ऑफ 1 2 इज 2, ऑर्डर ऑफ 1 3 इज 2, ऑर्डर ऑफ 1 4 इज 2, ऑर्डर ऑफ 2 3 इज 2, ऑर्डर ऑफ 2 4 इज 2, ऑर्डर ऑफ 3 4 इज 2। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 इज LCM ऑफ लेंथ ऑफ दिस कॉमन लेंथ ऑफ दिस, है ना, 2 2 2, ऑर्डर ऑफ 1 3 2 4 इज LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 3 ऑर्डर ऑफ 2 4, हालांकि लेंथ भी लिखते हैं इसमें डिसजॉइंट साइकिल की, है ना, तो लिखेंगे फिर 2 2 दिस इज 2, एंड ऑर्डर ऑफ 1 4 2 3 इज अगेन LCM ऑफ 2 2 एंड दिस इज 2। तो जो देखिए ध्यान से,
जो इवन परमुटेशन है टू ऑर्डर के, ये जो इवन परमुटेशन थे इनका भी ऑर्डर टू हो रहा है, और जो आठ परमुटेशन है इनका भी ऑर्डर टू हो रहा है। तो कभी भी परमुटेशन को इस बिहाफ पे मत बोल दीजिएगा कि इवन ऑर्डर आएगा तो इवन नहीं होगा, या ऑड ऑर्डर आएगा तो ऑड होगा, या फिर अगर ऑर्डर ऑड आता है तो इवन ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इवन ऑड की कैटेगरी इस पे डिसाइड होती है कि जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आए हैं वो इवन है कि ऑड है। लेकिन ऑर्डर के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब जैसे इसमें हम लोग आएंगे 1 2 3, एस फोर का जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, चूंकि सिंगल साइकिल में है इसको हम अब लिख तो सकते नहीं प्रोडक्ट में, तो यहां से आ जाएगा 3। और अगर आप इसको ऐसे लिखते भी हैं कि 1 2 3 1, तो जब आप ऑर्डर लेंगे तो एलसीएम किसका लेते हैं 3, 1 का, एंड दिस इज 3। इसलिए भी जो फिक्स एलिमेंट होता है उसको इग्नोर ही आप करते लिखते समय, ऑर्डर आप 1 3 2 3, क्योंकि एक तो क्लियर रहिएगा कि अगर ए का ऑर्डर के है तो ए के इनवर्स का भी ऑर्डर के ही होगा। ठीक है, और एक दूसरे के इनवर्स होते हैं इसमें। ऑर्डर आप 1 2 4 3, एक गाना भी था 1 2 का 4 है ना, 4 2 का 1, 4 2 भी आएगा इसमें। एंड ऑर्डर आप 1 4 2 3, ऑर्डर ऑफ 1 3 4 3, एंड ऑर्डर ऑफ 1 4 3 1 4 3 भी गाने में था, है ना। इसके बाद ऑर्डर ऑफ 2 3 4, एंड ऑर्डर ऑफ 2 4 3, ये भी 3 है। तो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट। तो 3 ऑर्डर के अगर 8 एलिमेंट है किसी भी ग्रुप में, अगर डी ऑर्डर का एलिमेंट है तो डी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा, इस बात की गारंटी तो आप करते हैं लेते हैं, है ना। और कितने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 5 ऑफ डी, तो जो 8 एलिमेंट ये है, है ना, तो हो जाएगा नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज 8 अपॉन 5 ऑफ 3, और यहाँ से 8 by 2 4, तो इसके पास 4 सब ग्रुप मिल जाएंगे 3 ऑर्डर के, और यहाँ से 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होते हैं उतने सब ग्रुप होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर क्या है 2 है, इवन ऑड आप उसके बियॉन्ड जाते हैं। कि इफ जी हैज के एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 देन डेफिनेटली जी विल हैव के साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एंड आइसोमॉर्फिक टू ज़ेड 2, है ना। और 3 ऑर्डर के जितने भी होंगे सब Z3 के आइसोमॉर्फिक होंगे। Z3 के आइसोमॉर्फिक होना इट डज नॉट मीन इट इज सेम एज Z3, है ना, वही जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि K जैसा होना। अब आप इसमें नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4, ये भी सिंगल साइकिल ही है। सिंगल साइकिल इसलिए क्योंकि 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 and 4 goes to 1, तो इसकी लेंथ के बराबर इसका ऑर्डर होगा, है ना, इसकी जो लेंथ है वही होगा। ऑर्डर आप 1 लिखना कैसे याद रखना है, बार बार आप इसलिए बार बार लिखा भी जा रहा है कि ये लिख दिया ऐसे लिखा, 1 2 3 लिखा तो 1 3 2 भी लिखना है, 1 2 4 1 4 2, 1 3 4 1 4 3, 2 3 4 2 4 3, एंड 1 2 3 4, तो 1 2 इस दोनों को चेंज करना है 4 3 4, ऑर्डर ऑफ 1 3 2 4 4, ऑर्डर ऑफ 1 4 1 3 4 2 4, ऑर्डर ऑफ 1 4 2 3 4, एंड ऑर्डर ऑफ 1 4 3 2 4। 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट। तो 4 ऑर्डर के अगर 6 एलिमेंट हैं तो 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप, 3 साइक्लिक सब ग्रुप, एंड ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू जेड। किसी भी ऑर्डर का, किसी जिस ऑर्डर का एलिमेंट है अगर उस ऑर्डर का सब ग्रुप तो होगा ही होगा, और वो पक्का मींस डेफिनेटली दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड के आर जेड डी, जैसा आप ऑर्डर उसका ले रहे हैं। तो ये तो आपने देखा कि S4 के पास 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट है ना,
S4 has nine element of order 2, तो अगर ये कहा जाए कि हाउ मेनी एलिमेंट इन S4 आर सेल्फ इन्वर्टिबल, टू ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं. एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज सेल्फ इन्वर्टिबल. एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज सेल्फ इन्वर्टिबल. सेल्फ इन्वर्टिबल मीन्स वो खुद का इनवर्स है. तो S4 हैज 9 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. S4 हैज 9 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4 विच आर सेल्फ इन्वर्टिबल इज हाउ मच? नो, 10. आइडेंटिटी इज आल्सो सेल्फ इन्वर्टिबल. तो किसी भी ग्रुप में टू ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं वो तो होंगे ही होंगे प्लस आइडेंटिटी. तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी एलिमेंट इन जी आर सेल्फ इन्वर्टिबल, देन काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड प्लस 1 आइडेंटिटी. तो S4 हैज, है ना, S4 हैज 9 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. दिस इंप्लाइज S4 हैज 10 सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी भी होगा. तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्जाम में कि SN के पास, है ना, कोई फिक्स ग्रुप दे देंगे जैसे S5 हुआ जिसको आप काउंट कर पा रहे हो, और आप देखेंगे कि जैसे S4 में आपने लिखा पहले एलिमेंट आप लिखे, देखिए इधर S4 में पहले आपने एलिमेंट लिखा सारा, फिर आपने बताया कि 9 एलिमेंट है टू ऑर्डर. तो S4 का तो ऑर्डर छोटा था, 24 था, आपने लिख दिया. अगर S5 के पास हम लोग जाएंगे तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 120. अब 120 मीन्स 120 एलिमेंट को लिखना है. ए सेट हैविंग 5 एलिमेंट टू इटसेल्फ, ए सेट हैविंग 5 सिंबल टू इटसेल्फ हैज 120 बाइजेक्टिव मैप, और उस 120 मैप को लिखना, इसके बाद बताना कि इसमें टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, समथिंग हैक्टिक. बट वाय ट्री डायग्राम यू कैन राइट ऑल दिस 120 एलिमेंट्स ऑफ S5. वाय ट्री डायग्राम यू कैन राइट एलिमेंट्स ऑफ S6, S7, S8, S9. बस आपको पेशेंस थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, है ना, क्या आप लिखें. तो अगर कहीं भी कर दिया जाए कि राइट डाउन एलिमेंट ऑफ S5, है ना, तो आप तुरंत लिखिएगा क्योंकि आप ISO के स्टूडेंट हैं, तो लिखना होगा. अब आप देखिएगा इसको, जैसे आपने कहा कि देयर आर 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 और आपने सारा एलिमेंट लिखा, ये जानकारी आपके पास रहे तो ज्यादा अच्छी है. आपने 6 एलिमेंट लिखा फिर बताया ऑर्डर 4 है, लेकिन अगर हमको ऑर्डर लिखना ही ना हो तो हम एलिमेंट ना लिखना हो तो कैसे बता देते हैं. जैसे सबसे पहले आप S4 पे देखिए इसको, S4 धीरे धीरे आपको याद हो गया, इट हैज 9 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 आइडेंटिटी. इन टोटल इट हैज 24 एलिमेंट्स. बट S4 की केस में आप देखिएगा, एकदम आराम से देखना है ना, हम लोग पार्टीशन करेंगे इसका. और एक कंसेप्ट थोड़ा सा बेबीलोनियन मैथमेटिक्स से भी लिया गया, जहाँ पे नंबर का पार्टीशन हो रहा था. आगे चल के जब हम लोग क्लास इक्वेशन की बात करेंगे, आप कभी कभी यूज करते हैं व्हाट क्लास, है ना, अरे क्या ही क्लास, कभी कभी आप किसी व्यक्ति के लिए भी बोल देते हैं क्या है व्हाट क्लास, गजब का. तो हर ग्रुप का अपना क्लास इक्वेशन होता है, ठीक है, हर ग्रुप का अपना क्लास इक्वेशन होता है. अभी हम लोग सेंटर और सेंट्रलाइजर के पास नहीं गए हैं, ठीक है, कंजुगेट एलिमेंट के पास नहीं गए. जब आप उधर से एंट्री लेंगे इसमें तो आपको फिर और भी इसकी इंटरेस्टिंग चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी. तो इसे S4, तो 4 का पार्टीशन करिए नेचुरल नंबर को यूज कर. तो नेचुरल नंबर को यूज करना 1 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
तो जब ये आपने लिखा तो इधर देखिएगा वन कितनी बार लिखा, एक दो तीन चार, तो ये एस एन है, ये आपका एन है, और इधर जो है एन वन एन टू एन थ्री, या इसे हम लोग नाम देते एल वन एल टू एल थ्री एल फोर। अब आप एक चीज देखिएगा, जो आपने लिखा था ये परमुटेशन कि वन गोज टू वन, टू गोज टू टू, थ्री गोज टू थ्री, फोर गोज टू फोर, फिर आपने लिखा वन टू थ्री फोर, तो जो साइकिल इसकी लेंथ कितनी है वन, इसकी लेंथ कितनी है वन, इसकी लेंथ कितनी है वन, इसकी लेंथ कितनी, तो जो एन का पार्टीशन करते हैं दैट इज साइकिल लेंथ ऑफ साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स। जो एन का पार्टीशन किया जाता है वो क्या होता है कि लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। देखिए ये डिसजॉइंट है, वन टू थ्री फोर सब अलग अलग हैं, और इनकी लेंथ क्या है वन 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 वन, दूसरा है पार्टीशन इसका। तो ऐसे कितने एलिमेंट आएंगे आप देखिएगा ध्यान से, एन का फैक्टोरियल करते हैं, फैक्टोरियल फोर अपॉन वन कितनी बार यूज हुआ है, फोर टाइम्स, तो वन पावर फोर, वन कितनी बार यूज हुआ मीन्स कोई नंबर कितनी बार यूज हुआ, यहाँ पे एल वन एल टू एल थ्री एल फोर सब बराबर है ना, तो वन कितनी बार यूज हुआ फोर टाइम्स, तो जो पावर है उसका भी फैक्टोरियल ले लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, और इस वन 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 का एलसीएम कितना आएगा वन, यही इसका आर्डर होगा वन, एलसीएम सबका वन, आर्डर वन, तो कह रहा है कि वन आर्डर के एस फोर में कितने एलिमेंट वन। अब आप दूसरा पार्टीशन देखिएगा, फोर फोर को आप लिखिएगा वन प्लस वन प्लस टू, लिख सकते हैं ऐसा, तो फोर वन कितनी बार यूज हुआ दो बार, तो फैक्टोरियल फोर अपॉन वन स्क्वायर इनटू ये जो पावर है टू फैक्टोरियल, पावर का फैक्टोरियल करना इनटू ये टू कितनी बार यूज हुआ वन, तो टू पावर वन इनटू इस पावर का फैक्टोरियल। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, फैक्टोरियल फोर टू टू फोर है ना, अब ये जो सिक्स है क्योंकि वन वन टू इसका एलसीएम कितना आएगा टू, तो आर्डर कितना होगा टू। तो आपने कहा कि ऐसे परमुटेशन एस फोर के ऐसे परमुटेशन जिसमें दो एलिमेंट सिक्स है, एक बार सुनिएगा फिर लिखिएगा, एस फोर के ऐसे परमुटेशन इन विच टू सिंबल आर फिक्स आर एलिमेंट आर फिक्स, परमुटेशन में आप हमेशा सिंबल को पढ़ा चाहिए, इन एस फोर ऑल दोज परमुटेशन इन विच टू सिंबल आर फिक्स इज ऑफ ऑर्डर टू एंड नंबर ऑफ सच परमुटेशन इज व्हाट सिक्स, और इनका जो टाइप होगा आप ऐसे लिख सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, क्योंकि एस फोर में फोर सिंबल यूज होंगे। तीसरा मतलब ये है कि आप इसकी बात कर रहे हैं ए वन ए टू की बात कर रहे हैं, टाइप है जिसमें दो सिंबल फिक्स होते हैं, टाइप तीन की संख्या छह, और ये क्या होगा इधर देखिए, ये सिंगल साइकिल लेंथ वन लेंथ वन, ये लेंथ टू का है तो टू लेंथ का है, जैसे ए वन ए टू टाइप से लिख सकते हैं हमने बाकी दो को फिक्स करके, तो ये जो है एक ही ट्रांसपोजिशन मिला इसलिए कैसा हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इन S4 लिखिएगा, इन S4 4 is equal to 1 plus 1 plus 2 gives odd permutation, odd permutation of order 2, ये 2 order का odd permutation बताएगा, क्योंकि साइकिल की लेंथ है लेंथ 1 लेंथ 1 लेंथ 2, तो लेंथ वन तो ट्रांसपोजिशन में ऐसे भी काउंट नहीं करेंगे, अब एक साइकिल है टू लेंथ की तो आठ हो गया ना, एक ही साइकिल है इसलिए आठ। तो ऐसा ये पार्टीशन, ये जो पार्टीशन है फोर इक्वल टू वन प्लस वन प्लस टू, इट विल गिव्स यू आठ परमुटेशन ऑफ ऑर्डर टू एंड नंबर ऑफ सच आठ परमुटेशन इज व्हाट सिक्स, इट मींस इट हैज सिक्स आठ परमुटेशन ऑफ द टाइप
A1, A2 आप लिख सकते हैं, दैट इज S4 हैज 6 8 परमुटेशंस ऑफ द टाइप, दैट इज S4 हैज 6 8 परमुटेशंस परमुटेशंस ऑफ द टाइप, टाइप की बात हो रही है E1, E2। आप बोलते हैं बड़ा बड़ा ही अलग टाइप का इंसान है, तो अलग टाइप का इंसान S4 में भी अलग अलग टाइप चल रही है, एक टाइप की है, ठीक है। अब आप तीसरा पार्टीशन देखिएगा, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये भी एक पार्टीशन है इसका। 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मीन्स ये कह रहे हैं कि S4 के पास ऐसे भी एलिमेंट है जो दो साइकिल के प्रोडक्ट में है और हर साइकिल की लेंथ 2 है। 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 का मतलब ये है कि S4 के पास ऐसे भी एलिमेंट है, ऐसे भी परमुटेशन है जो 2 और 2 साइकिल के डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में है, ठीक है, और 2 लेंथ 2 है, तो ट्रांसपोजिशन हुआ और यहाँ से 2 ट्रांसपोजिशन मिल रहे हैं तो परमुटेशन कैसा होगा, इवन। बट 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2, तो इनका भी ऑर्डर 2 ही होगा और इनका टाइप हो जाएगा A1, A2, A3, A4, शाबाश, A3, A4। एंड नंबर ऑफ सच परमुटेशंस, एक बार देखिएगा फिर लिखिएगा, नंबर ऑफ सच परमुटेशन इज फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 पावर 2 इनटू फैक्टोरियल 2, तो 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1 अपॉन 4 इनटू 2 है ना, ये कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3, और वही 3 थे 1 2 3 4 1 3 2 4 and 1 4 2 3 वाले तीन। अब इसका अगला पार्टीशन आप देखिए, 4 का अगला पार्टीशन हम लोग करेंगे 1 + 3 से, 1 और 3 से पार्टीशन करना, तो 4 इज 1 + 3, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 3। इसका मतलब इस तरीके के जो एलिमेंट हैं वो 3 ऑर्डर वाले हैं, इसका जो टाइप होगा, टाइप पूछ लिया जाए आपसे तो लिखिएगा A1, A2, A3, A4, ये सब वैरी करता है ना, ऐसे नहीं कि हमेशा A1 ही फिक्स रहेगा, वहां कुछ भी जा सकता है। इसका ऑर्डर कितना होगा, ये टाइप है, ये ऑर्डर इसका होगा, इन दोनों का एलसीएम 3, एंड नंबर ऑफ सच परमुटेशन इज व्हाट, फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 कितनी बार रिपीट हुआ 1, और 3 कितनी बार रिपीट हुआ 1, कितना आ जाएगा 8। तो 8 एलिमेंट है इसमें पावर, ये 3 एक बार है ना, तो 3 पावर 1 इस पावर का फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टाइप है आप देखिए, वो टाइप कौन सा है, 4 इज 4 है ना, 4 इज 4, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 पावर 1 इनटू फैक्टोरियल 1 इज हाउ मच 6, और इसका जो टाइप होगा वो हो जाएगा A1, A2, A3। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि S4 कितने टाइप के एलिमेंट रखता है, तो आप देखिएगा एक बार S4, शाबाश, S4 has first 4 is 4, इसको लिखेंगे A1, A2, A3, A4, ये टाइप है और ऑर्डर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आया 6 है ना। तो इस टाइप के जो एलिमेंट है, ऑर्डर 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6 है, और 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 की केस में A1 6 है, A2 A3 A4 है, और इसका ऑर्डर कितना होगा 3, इन दोनों का एलसीएम, और ऐसे कितने एलिमेंट थे 8, आपने लिखा था 8 एलिमेंट। इसके बाद 4 इज 2 प्लस 2, ये एलिमेंट का टाइप होगा A1, A2, A3, A4, ऑर्डर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ऐसे एलिमेंट कितने थे 3। 4 इज 1 + 1 + 2, इसका टाइप देखिएगा A1 भी फिक्स है, A2 फिक्स है, A3, A4
ऑर्डर आएगा टू और ऐसी संख्या कितनी थी छः। फोर इज वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन में सभी एलिमेंट फिक्स हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और इनका ऑर्डर कितना होगा वन, ऐसी संख्या कितनी थी वन। टोटल एलिमेंट कितने हुए 24। देखिए एस फोर में 24 एलिमेंट हैं, है ना। वन ऑर्डर का एलिमेंट है, टू का है, थ्री का है, फोर का है। एस फोर के पास कोई भी एलिमेंट सिक्स ऑर्डर का नहीं है, है ना। एस फोर के पास कोई भी एलिमेंट 12 ऑर्डर का नहीं है। एस फोर के पास कोई भी एलिमेंट 8 ऑर्डर का भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये बताना हो कि इसके पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हैं, मीन्स आपको ये बताना हो कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर, सॉरी व्हाट विल बी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, तो व्हाट विल बी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, तो जो एलसीएम लेंगे आप दिस जॉइंट साइकिल का, वो जो सबसे बड़ा आएगा उसको आप लिखते हैं, है ना। तो आप एक बार इसको फिर देखिएगा एस फोर को, तो S4 has 24 एलिमेंट। हम लोग शुरू में लिख रहे थे, शुरू में आपने एक जगह लिखा हुआ था कि इफ D divides order of G, then there may be. If D does not divides, तो कोई बात ही नहीं थी। वही जो गाना था ना कि तुम होते कर जो दुश्मन तो कोई बात ही नहीं थी। If D does not divides order of G, then G definitely G will have no element of order D. But if D divides order of G, then there are two possibilities. Either it may have or if may, it does not have. So if G is cyclic, अब आप यहाँ से आते हैं कि अगर cyclic हुआ और D divide करेगा, finite group की बात हो रही है, finite group में अगर cyclic है और D G के order को divide करता है, तो definitely फाइव D element होंगे exactly D order के। लेकिन अगर साइक्लिक नहीं है, जैसे आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ एस फोर इज व्हाट 24 एंड 24 का जो डिवाइजर है डी 1 2 3 4 6 8 12 24, बट एस फोर के पास आपने देखा वन ऑर्डर का है, टू का है, थ्री का है, फोर का है, इसका इसका नहीं है ना। 24 का तो है ही नहीं, अगर बाजू साइक्लिक हो जाता 12 ऑर्डर का भी नहीं, 8 का भी नहीं, 6 का भी नहीं। तो S4 has only element of order 4, 3, 2 and 1, ठीक है। तो जैसे अगर आपको पूछा जाए कि S5 के पास, S5 का मतलब कितना हो गया इसका ऑर्डर 120 और 120 के डिवाइजर कितने जाएंगे, ये सब तो होंगे ही, है ना। इसमें और भी नंबर ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आता है। तो इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, तो 5 का पार्टीशन 5 एक ही होगा और टाइप यहां से हो जाएगा a1 a2 a3 a4 a5। अब देखिए 1 plus 4 एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 ऑर्डर का होगा 5 का होगा। फिर आप लिखेंगे 2 3 6 ऑर्डर का होगा एलसीएम, फिर 1 plus 1 plus 3 3 ऑर्डर का होगा, फिर आप लिखेंगे 1 plus 1 plus 1 plus 2 2 ऑर्डर का होगा, फिर लिखेंगे 1 plus 2 plus 2 ये भी 2 ऑर्डर का होगा, इवन होगा, है ना, इवन होगा। फिर आप लिखेंगे 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के एलिमेंट हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 6 ही। तो इसमें 1 ऑर्डर का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, एस फाइव में। तो ऐसा कुछ सेटिंग मत करेगा दिमाग में कि 4 था इसलिए 1 2 3 4 ऑर्डर का था, तो 5 है तो 1 2 3 5 का होगा, ऐसा नहीं है, है ना। ये जिसका जिसका एलसीएम लेने के जो आएगा वो रहेगा। अब इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट आप ये भी बता सकते हैं इसमें। तो हम लोग S4 के पास थे भी कि S4 के केस में आप लिखेंगे कि 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ S4, बट S4 हैज नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6।
8 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ S4, बट S4 है नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8. 12 डिवाइड ऑर्डर ऑफ S4, है ना, S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, एंड सिमिलरली S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 24, क्योंकि 24 ऑर्डर का अगर कोई भी एलिमेंट होता तो S4 कैसा हो जाता, साइक्लिक, किसी भी फाइनाइट ग्रुप में अगर टी ऑर्डर का एलिमेंट है तो साइक्लिक, किसी भी फाइनाइट ग्रुप में अगर कोई एक एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो साइक्लिक। तो आपने S4 को देखा कि 24 एलिमेंट है ना, जैसे S4, अब क्या हो कि जैसे आपके सामने है S4, तो S4 है तो उसके एलिमेंट दिखने चाहिए, एलिमेंट S4 में 24 है, ऑड एंड बी 1 2 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 4 1 3 2 1 4 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 2 3 4 2 4 3 and 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 and 1 4 2 3 1 4 3 2. So these are 24 elements out of which 12 are even. Even कौन कौन है, आइडेंटिटी 1 2 3 4 वो वाले तीन, और इसके बाद जो आठ थे 1 2 3 1 3 2 ये थ्री ऑर्डर वाले थे, है ना, फोर ऑर्डर वाले नहीं, वो तो सब आठ परमुटेशन। तो S4 की ये एलिमेंट थे सब, S4 इज नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक बट हैज सिक्स एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड 9 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, आउट ऑफ विच 6 आर इवन एंड 3 आर ऑड एंड 1 इज आइडेंटिटी। तो जैसे S4 आए आपके सामने, तो S4 सामने आता तो इतनी चीजें रिकॉल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब ग्रुप ऑफ, थोड़ा सा आप देखिएगा, सब ग्रुप्स ऑफ S4, मींस S4 के सब ग्रुप कौन कौन होंगे। तो डेफिनेटली आप तो पहले इनको लिखेंगे ही, जिस ऑर्डर के एलिमेंट हैं उस ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे, एंड नंबर ऑफ सच सब ग्रुप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन फाई ऑफ डी। तो S4 हैज वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। सारे सब ग्रुप इसमें साइक्लिक होंगे? नहीं, सभी साइक्लिक नहीं, इसमें वन ऑर्डर का साइक्लिक है, टू का साइक्लिक है, थ्री का साइक्लिक है, फोर का साइक्लिक है, और फोर ऑर्डर के और भी सब ग्रुप है जो साइक्लिक नहीं है। सिक्स ऑर्डर, S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 बट S4 हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 बट दैट सब ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। तो अगर किसी ग्रुप में इफ G हैज नो, हम लोग फाइनाइट की बात कर रहे हैं, आप भूलिएगा नहीं, G हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D बट G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D, then that subgroup, that subgroup is never cyclic. तो कभी भी cyclic नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसलिए cyclic नहीं हो सकता क्योंकि अगर उस order का element नहीं है तो हमें मान लीजिए S4 में S4 has no element of order 6 but you want a subgroup of order 6, है ना, आपकी इच्छा है सिक्स ऑर्डर का सब ग्रुप हो। जैसे आपने देखा होगा, जरूरी तो नहीं ना कि बनारस का डीएम वही हो जो बनारस का ही रहने वाला है, किसी और भी प्रदेश का हो सकता, तो किसी और भी प्रदेश के आके यहाँ डीएम बन सकते हैं, है ना। तो इसमें एलिमेंट तो डी ऑर्डर का नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि डी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही नहीं, ये भी आप गारंटी नहीं करते, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जो आप पढ़ेंगे ना कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, उसमें था कि इफ डी डज नॉट डिवाइड तो नहीं रखेगा, बट अगर डिवाइड करता तो हो भी सकता और नहीं हो सकता। तो इफ जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी
बट जी हैज सबग्रुप ऑफ ऑर्डर टी देन दैट सबग्रुप इज नेवर साइक्लिक, तो साइक्लिक नहीं होगा। आप इसको देख सकते हैं कि एस फोर है, ये एस फोर है, एस नाइन नहीं है, एस फोर है वन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर वन, एस फोर हैज वन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर वन। एस फोर हैज हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, नाइन, एस फोर हैज नाइन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर टू एंड ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू जेड टू। इसका मतलब एस फोर के पास जेड टू की तरह नाइन सबग्रुप है ना, नाइन सबग्रुप है। इसके बाद एस फोर हैज, एस फोर के पास थ्री ऑर्डर के कितने एलिमेंट थे, एट एलिमेंट, एलिमेंट एट थे ना। एस फोर हैज एट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, सॉरी हाँ, एस फोर हैज एट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थ्री एंड एस फोर हैज एट अपॉन फाइव ऑफ थ्री सबग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री एंड अदर साइक्लिक। तो एस फोर हैज फोर सबग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री एंड ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू जेड थ्री। एस फोर हैज, एस फोर के पास फोर ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, फोर ऑर्डर सिक्स है, तो सिक्स अपॉन फाइव ऑफ फोर, तो दिस हैज थ्री सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर एंड ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू जेड फोर। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग केस चल रही है कि अगर फाइनाइट ग्रुप में जी डी ऑर्डर का एलिमेंट है तो डी ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप जरूर होगा और उनकी संख्या आप ऐसे काउंट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास फोर ऑर्डर का नॉन साइक्लिक नहीं हो सकता, ठीक है। एस फोर हैज फोर, आप लिख लीजिएगा फोर सबग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर आइसोमॉर्फिक टू ठीक हो, तो फोर ऑर्डर के टोटल कितने सब ग्रुप हो गए, सात। हम लोग इसको लिखेंगे है ना, ये आपको याद नहीं करना है सब, आप इसको देखेंगे अभी कि कैसे ऐसा होता है। S4 हैज, S4 के पास थ्री ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, एट, तो एट एलिमेंट है तो दो इन्वर्स होंगे एक दूसरे के, तो वहां से चार सब ग्रुप मिला, तो आप वहां से जो आठ एलिमेंट था तीन ऑर्डर का उससे आप चार एलिमेंट लेते हैं और दो ऑर्डर का एलिमेंट लेते हैं। जैसे S4 हैज फोर, आप लिखिएगा बस फोर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स आइसोमॉर्फिक टू S3 नॉट जेड सिक्स, सभी नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसलिए सिंस S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर सिक्स, तो अगर सिक्स ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है तो सिक्स ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप नहीं हो सकता, अगर सबग्रुप है भी तो नॉन साइक्लिक होगा है ना, एंड इज आइसोमॉर्फिक टू एस थ्री। और इसका जो फॉर्मेशन होगा हम लोग देखेंगे ये वन टू थ्री कमा वन टू टाइप से फॉर्म होगा, एक यू आएगा डिटेल में आप देखेंगे, दूसरा आएगा वन टू थ्री आया तो वन थ्री टू नहीं लिखना क्योंकि इनवर्स हो जाएगा, वन टू फोर कमा वन टू, वन थ्री फोर कमा वन थ्री, आप पकड़ेगा इसी दो को उठाना है शुरू वाले दो को, वन टू फोर वन टू, वन थ्री फोर वन थ्री, अब वन थ्री फोर लिखा तो वन फोर थ्री नहीं लिखना आएगा टू थ्री फोर टू थ्री, अब टू थ्री फोर है तो टू फोर थ्री मत लिख दीजिए, सेम जनरेट करेगा एक दो तीन चार and all these are isomorphic to S3 isomorphic to S3 isomorphic to S3 isomorphic to S3 and hence all these are isomorphic to D6 yes. D2 into 3 क्योंकि S3 is isomorphic to D6। ये जो आपने लिखा ना कि S4 has 4 subgroup of order 6 and all are isomorphic to S3, it means what? Here S4 has no element of order 6। अगर ऐसा भी कर दिया जाए कि G, let G be a finite group and G has no element of order D but G has subgroup of order D, then you will be clear that that subgroup is non-cyclic, sabas, non-cyclic। अब इसमें आप आइए, S4 has how many element of order 4? 6। S4 के पास 6 order के 4 element है, subgroup कितने थे? 3 element by this।
तो S4 has three subgroup of order 8 and all are isomorphic to D2 into 4 D8. S4 has three subgroup of order 8, all are isomorphic to D8. और ऐसा इसलिए हुआ सिंस S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D मींस 8 8 ऑर्डर का S4 के पास कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन S4 के पास तीन सब ग्रुप है 8 ऑर्डर S4 हैज वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 एंड दैट इज व्हाट E4 एक होगा एंड S4 हैज वन सब ग्रुप of order 24 and that is what itself ये खुद ही होगा तो अभी तो ये बस एक इंफॉर्मेशन है कि जैसे आज आपने S4 पढ़ा S4 के एलिमेंट देखे किस किस ऑर्डर के एलिमेंट है कितने इवेंट कितने ऑर्ड है ना तो आपने भी देख लिया किसके पास सब ग्रुप टोटल कितने होंगे ऐड करिए 1 10 1 9 10 और ये कितना हो गया 21 ऐड करिए 30 हो गया पूरा टोटल 1 9 10 4 14 3 17 4 21 21 4 25 25 3 28 29 30 तो टोटल कितने सब ग्रुप 30 तो S4 हैज 24 एलिमेंट अब देखिएगा 24 ही एलिमेंट हैं लेकिन सब ग्रुप कितने 30 है ना जैसे ऐसे बहुत सारे केस निकलेगी आपके पास जैसे नहीं था वो K4 K4 में चार ही एलिमेंट थे लेकिन सब ग्रुप कितने थे K4 आज हाउ मेनी सब ग्रुप पांच कौन कौन इटसेल्फ आइडेंटिटी और समास बाय ए बाय बी बाय सी समास आपको इतने ही याद रखने की जरूरत है ठीक है ना तो S4 की कथा आज खत्म नहीं शुरू हुई S4 की कथा खत्म नहीं आज शुरू हुई और S4 की कथा में ये रहा कि S4 has 24 एलिमेंट उसमें से 9 एलिमेंट 2 ऑर्डर के थे और 2 ऑर्डर में 6 इवेंट थे 3 ऑड थे S4 के पास 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट थे 8 वो इवेंट थे S4 के पास 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट थे और क्या थे सब ऑड थे